मध्य प्रदेश में होने वाली 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जहां बीजेपी चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बड़ी बैठक करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को उपचुनाव क्षेत्र के प्रभारियों के साथ बैठक की। इसके पहले मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, इस बात को छोड़िए और सुनिए कि हम आज एक पेन ड्राइव जारी करने जा रहे हैं। इस पेन ड्राइव में किसान कर्ज माफी का पूरा डाटा है। यह पेन ड्राइव भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आने वाले उपचुनाव को मैं उपचुनाव और आम चुनाव नहीं मानता हूँ। ये चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का चुनाव है। पिछले 4 महीनों में अपना पूरा समय लगाया है कि अपना संगठन मजबूत हो। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है। 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में, 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र उन सबके सामने है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ। ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया, ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी आज का नौजवान पहचानता है, आज का नौजवान जानता है कि उनके भविष्य के साथ 15 साल में कितना खिलवाड़ हुआ है। तो ये सब चीज़ें आज जनता के सामने हैं और ये जो प्रचार की राजनीति है, नौटंकी की राजनीति है, आज सब समझ रहे हैं कि कैसे हमारे संविधान और प्रजातंत्र से खिलवाड़ किया गया है। माफिया से मध्य प्रदेश की पहचान ना बने, मिलावट से मध्य प्रदेश की पहचान ना पड़े। इस ये मोर्चा मैंने खोला था कि माफिया मुक्त मध्य प्रदेश होए, मिलावट मुक्त मध्य प्रदेश होए, यही मेरा प्रयास था। और मैं तो हर कर्मचारियों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये पुलिस अधिकारी होए या कोई कर्मचारी अधिकारी लें होए, ये सबका हिसाब लिया जाएगा। ये पुलिस वाले अपनी वर्दी की इज्जत करें, कर्मचारी अपनी शपथ की इज्जत करें।